हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटी सेक्टर के बारे में। काफी बढ़िया तेजी देखी जा रही है, आज के दिन मार्केट को लीड करता हुआ दिख रहा है आईटी सेक्टर। और इंफोसिस गाइस जो पिछले 4-5 दिनों से कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था आईटी सेक्टर में, वो भी आज कहीं ना कहीं तेजी में आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी है कोई भी आईटी शेयर, यानी कि जिन 3 शेयरों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उनके नाम है इंफोसिस, एससीएल टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो। अगर इन 3 में से आपके पास कोई भी स्टॉक है या फिर आप किसी आईटी स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय, साथ ही साथ मेरा क्या है व्यू आईटी स्टॉक्स पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और थोड़े दिन पहले एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो इंफोसिस की बात कर लूं, तो इंफोसिस अपनी जो रैली चल रही थी, उस रैली में 1750 के ऊपर निकलता हुआ दिखा था, जहां पे स्टॉक ने अपना बायबैक जो था कंपनी की तरफ से, बायबैक का प्राइस 1750 तक था, यानी 1750 के नीचे तक उन्होंने का बायबैक का प्राइस था, 1750 के ऊपर वो बायबैक नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने बायबैक में अनाउंस किया था। तो वहां से ऊपर जाता हुआ भी दिखा था और 52 वीक हाई भी 1750 के ऊपर ही लगा। उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ दिखा और शेयर नीचे की तरफ 1670-60 तक के लेवल्स पे आया, 1670 और 1680 के पास भी आता हुआ दिखा आपको स्टॉक। और 3-4 दिन से TCS एंड SCL टेक भाग रहे हैं, बट ये स्टॉक कहीं ना कहीं उन्हीं रेंज में घूम रहा था। लेकिन आज के दिन दोबारा से 1700 के ऊपर निकला है शेयर, और शेयर 1714 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और आज के हाई की बात करें तो 1714-15 ही है, यानी कि डे हाई पे खड़ा है, अभी 1 बज रहा है। साथ ही साथ और स्टॉक्स की बात करें जैसे कि SCL टेक, तो ये पिछले 4-5 दिन से सारे आईटी को ही आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है मार्केट के साथ साथ, अभी भी आपको 1276 के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज के दिन भी शेयर में 3% की तेजी है, कल भी 2.5% भागा उससे पहले भी, तो कहीं ना कहीं बढ़िया रैली चल रही है। आपको थोड़ा बैक में ले जाऊं तो ये स्टॉक सारे आईटी में सबसे कम रैली चल रहा था, कहीं भी इसमें रिटर्न नहीं आ रहे थे, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं बेकार भी बता रही थी पब्लिक, आईटी सेक्टर का आईटीसी भी बता रही थी। बट अब आप सभी देख सकते हैं कि कितना शानदार स्टॉक है और बेहतरीन तेजी देखी जा रही है शेयर में। शेयर में कल न्यूज़ भी आई थी एक, जिसके कारण शेयर आज ज़्यादा आपको रफ्तार में दिख रहा है और कल भी ज़्यादा रफ्तार में था, कि SCL टेक्नोलॉजीज एक्सपेंड्स पार्टनरशिप विद फिनेस्ट्रा, यानी कि इनकी एक पार्टनरशिप है, उसे बढ़ाया गया है फिनेस्ट्रा के साथ। और साथ ही साथ MK ग्लोबल के आज टारगेट आए हैं SCL टेक्नोलॉजीज पे, जो टारगेट आए हैं वो 1380 के लेवल्स के आए हैं। और इंफोसिस के ऊपर की बात करें तो इंफोसिस का आप सभी के साथ मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट जो शेयर कर रखा है वो 2000 का है। साथ ही साथ विप्रो की बात करें तो वो भी 670 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 680 पे आ गया है इनफैक्ट, और अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरे आईटी आज मार्केट को लीड कर रहा है, सबसे तेज आईटी इंडेक्स ही है। ऐसे में गाइस आपको क्या करना चाहिए अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेश एंट्री बनाने के लिए ये लेवल कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं दिखते हैं, हालांकि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी आप सभी को पता है कि ये क्वालिटी स्टॉक है और ये शानदार स्टॉक है। बट शानदार स्टॉक होने के बावजूद शेयर के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अगर आप थोड़े दिन पहले जाओगे, यानी एक हफ्ते पीछे, तो एक ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट आती हुई दिखी थी, जिसमें उन्होंने TCS और इंफोसिस पे अपने टारगेट जारी करे थे, जहाँ पे TCS के टारगेट उनके जो निकल के आए थे वो 3300 के लेवल्स के निकले थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो लेवल्स आ गए हैं बहुत ही ऊपर और महंगे हो चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की ग्रोथ देख रही है वो ये सस्टेन करेगी, लेकिन इससे ऊपर की डिजिट्स में ग्रोथ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा शानदार रेवेन्यू ग्रो वगैरह हो रहा है इनका, बट कंसिस्टेंसी बरकरार करना बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ इंफोसिस पे भी टारगेट आया था, जो कि करीब करीब 1450 के लेवल्स का टारगेट था। अब देखिए शेयर, आप कहें कि ये शेयर गिर ही नहीं रहे, भागते ही जा रहे हैं उनके टारगेट के बावजूद भी, तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। देखिए ये सारे बेहतरीन स्टॉक हैं, अगर ये मार्केट हाई के बावजूद भी नीचे होंगे तो फिर ये क्वालिटी स्टॉक कहलाएंगे ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं शानदार शेयर है। तो अभी इनको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करिए, जब थोड़ा नीचे लेवल्स पे मिले, मार्केट में डिप मिले, तो आप कहीं ना कहीं इनमें बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बट इन लेवल्स पे
बाय इनिशिएट करना सही नहीं होगा। उसी के विपरीत अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल मत काटिए। इनफैक्ट डिप पे खरीदारी ही करनी है आपको, पोजीशन बनाए रखनी है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो इन्फोसिस मुझे 2000 तक जाता हुआ दिखता है और अभी शेयर 1700 के ऊपर निकला है, 1760 के अराउंड का इसका 52 वीक हाई है। अभी आपको डिप पे मिले अराउंड 1600 और 1620-40 तो आप वहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर वहाँ आएगा ही नहीं, आएगा जरूर आएगा, बस आपको वेट करना होगा। साथ ही साथ SCL टेक की बात करें तो ये भी अंधाधुंध भागे जा रहा है, लेकिन अभी इसमें कल एक खबर भी आ गई है तो हो सकता है थोड़ा और रिएक्शन देखने को मिले उस खबर के साथ साथ। और बिल्कुल डे हाई पे खड़ा है शेयर और हायर हाई लगा रहा है। इनफैक्ट शेयर 1000 के लेवल्स को जब उसने पहले तो काट नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद जब काटा है तो मुड़के ही नहीं देख रहा पीछे, अब भाग ही जा रहा है अंधा। तो बहुत बढ़िया शानदार रैली चल रही है पूरे IT पैक में। इनफैक्ट TCS जो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा था, मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं देने को तैयार था, वो TCS जैसा इतना बड़ा शेयर एक हफ्ते में आपको 20% का रिटर्न देके बैठ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की रैली आई है IT में, बहुत ही शानदार। इसके विपरीत अगर बात करें हम लोग विप्रो शेयर की, तो विप्रो सबसे पहले चला था IT में, सबसे पहले इसमें रैली आई थी और सबसे शानदार रिजल्ट्स भी आए थे इसके, जिसके बाद शेयर में 10% का सर्किट आया, फिर शेयर भागता ही चला गया था 480 के लेवल से, 550, 600 और अब 700 के पास पहुंचने वाला है शेयर। गाइस इस शेयर पे काफी टाइम से ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि ये शेयर बहुत महंगा हो गया है, इसे छोड़ दीजिए, और वो 550 के लेवल से यही कह रहे हैं। हालांकि उनका टारगेट 14610 का था, जिसे भी शेयर ने सरपास कर दिया और शेयर अभी 680 के लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। जी हाँ, 677 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो इस पे भी जो टारगेट है वो अराउंड 610-620 के थे, जिसके ऊपर शेयर काफी तेजी से भाग चुका है और निकल रहा है, खड़ा है आराम से। अब जो आने वाले टाइम में मैटर करेगा इनके शेयर के प्राइस को, वो होगा इनके रिजल्ट्स। और आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर को इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स जारी करने वाला है, इन्फोसिस ने अपनी डेट अनाउंस कर दिया, तो इन्फोसिस से आगाज होने वाला है IT शेयर्स के रिजल्ट्स का। तो देखने वाली बात होती है कैसे रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद शेयर में क्या रिएक्शन रहता है, कमेंट्री कैसी रहती है, उसके बाद ही इनमें शेयर में बाय इनिशिएट करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है और डिप पे बाइंग करनी है वो डिस्कस करेंगे। अभी इन शेयरों में बाय बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, डिप पे खरीदारी करने की राय होगी। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो बने रहिए, रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करना चाहिए आपको कि क्या करना है। तो ये थी मेरी वीडियो सारे IT पैक के 3 शेयरों पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।